हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार। पहले हम बात करते हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार। इसके जो हमारे राइटर है, बुलंद कवि है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि प्राचीन कालीन साहित्यकार क्या क्या है। फर्स्ट हमारा कालिदास जी है, भर्तहरि है, वपुभूति है, बानभट्ट है, नागार्जुन है, भारवी है, मंडन मिश्र है, भास्कर भट्ट है, कवि बिल्लन है, शशिधरा है, पृथ्वीधर आदि है। और हम पढ़ते हैं अब सेकंड मध्यकालीन साहित्यकार। इसमें हमारे कवि है केशव जी है, पद्माकर जी है, भूषण जी है, राजा है, छत्रसाल जी है, दामोदर दास जी है, कुंभन दास जी है, हरिदास जी है और पद्माकर जी है और कृष्णवर जी है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड हमारा ऑप्शन है आधुनिक कालीन साहित्यकार। इसमें प्रमुख कवि आते हैं हमारे पंडित जी माखनलाल चतुर्वेदी जी आते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी आती है, बालकृष्ण शर्मा, नवीन पंडित द्वारका प्रसाद जी आते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी आते हैं, हरिशंकर परसाई शरद जोशी जी आते हैं, मुल्ला रमोजी जी भी आते हैं, डॉक्टर सी मंगल सिंह सुमन, नंद दुलारे वाजपेयी भी आते हैं, बाल कवि बैरागी दुष्यंत कुमार, श्रीकांत ब्रह्मा जी, गजानन माधव जी, मुक्तिबोध जी, श्री कृष्ण सरल आदि आते हैं। और हम पढ़ते हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश के साहित्यकारों की जो रचना है उनके बारे में आपको हम डिस्कशन करेंगे। बच्चों, आज हमारे हमको पता होता है कि कालिदास की जो रचना है हम उनके बारे में आपको बताते हैं। तो कालिदास की पहली रचना है हमारा अभिज्ञान संकुतलम है, विक्रमोर्वशी है, मालविका है, अग्निमित्र है, मेघदूत है, ऋतु सहार है, रघुवंश है और कुमार संभवम भी है। हमारे कवि आते हैं भर्तहरि कवि जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक आदि है। अब हमारे आते हैं भवभूति, हमारे कवि हैं। इनकी रचनाएं महावीर चरित, उत्तर रामचरित माल, मालती माधव जी हैं। फिर हमारे आते हैं बानभट्ट, एक कवि है। इनकी रचना प्रमुख है हर्षचरित, कादम्बरी, चंडिका शतक, पार्वती परिणय, मुकुट तड़ी तक। और इसके बाद आते हैं हमारे केशव दास जी है, ये हमारे कवि है। इनके प्रमुख रचनाएं फर्स्ट है इनकी रामचंद्रिका है, जहांगीर रस है, चंद्रिका है, वीर सिंह है, रसिया प्रिया है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता, नक्शिक और छंदमाला रतन बावनी है। इसके बाद आते हैं हमारा कवि है भूषण जी है। इनके प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक भूषण, उल्लास दूषण, उल्लास भूषण, हजारा आदि इनकी क्या ये रचनाएं हैं। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हुए हमारे सेकंड हमारे जो पद्माकर ये कवि है, इनके प्रमुख रचना हिम्मत बहादुर, बीरुदावली, प्रताप सिंह बहादुर, बीरुदावली, जय सिंह बहादुर, बीरुदावली, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रमोद पचासा राम रसायन है। यदि बच्चों आपको यूट्यूब अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिएगा। फिर हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी, ये हमारे कवि है। इनके प्रमुख रचनाएँ हिम किरटिनी है, हिमन तारिणी है, युग चरण है, समर्पण है, पाँव पाँव अमीर इरादे हैं, गरीब इरादे हैं, कृष्ण अर्जुन नाटक, साहित्य देवता है, माता समय के पाँव हैं। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर सी मंगल सिंह सुमन, इनके प्रमुख रचना हिल्लोल विद्या हिमालय है, प्रबल सृजन है, जीवन के गान हैं, मिट्टी की बारात है, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, ये भी एक कवि रचना है, युग का मोल ये भी क्या रचना है। अब हम बात करते हैं हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी प्रमुख रचना क्या है, मुकुल त्रिधारा है, बिखरे मोती है, सीधे साधे चित्र सभा के खेल, वीरों को कैसा हो बसन उन्मा अदनी है। फिर हम बात करते हैं शरद जोशी, हमारे कवि है, जिनकी प्रमुख रचना जीप पर सवार इल्लिया है, रहा किनारे बैठे ये भी है, यथासंभव दूसरी सतह, फिर किसी बहाने अंधों का हाथी, एक था गधा मैं और केवल मैं हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे हरिशंकर बरसाई, ये भी हमारे महत्वपूर्ण कवि है। इनके प्रमुख रचना है रानी नागफनी की कहानी है, तट की खोज है, भूत के पांव पीछे हैं, शिकायत मुझे भी है, ये भी रचना है, विकलांग है, श्रद्धा का दौर है, हंसते हैं रोते हैं तब की बात। और बच्चों, यदि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगता है ना तो इसे आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब हम सेकंड स्क्रीन में बढ़ते हुए
गजानन माधव मुक्तिबोध ये हमारे कवि है और इनकी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, नए निबंध भूरी भूरी खाक है, एक साहित्य की डायरी है, नई कविता का आत्मसंघर्ष है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है, भारत इतिहास और संस्कृति है। हम बात करते हैं हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये हमारे कवि है और इनकी प्रमुख रचना कुमकुम है, रश्मि रेखा है, अपलक है, विनोबा स्तनबन है, उर्मिला है, हम बीस पाई जन्म के स्वामी है, क्वासी प्राणपर्ण स्तवन है। अब हम बात करते हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र, ये हमारे कवि है और इनकी प्रमुख रचना गीत फरोश है, चक्की दुख है, अंधेरी कविता है, गांधी पंचशक्ति है, सतपुड़ा के घने जंगल और बुनी हुई रस्सी है। अब हम बात करते हैं हमारे मुल्ला रमूजी, ये हमारे कवि है और इनकी प्रमुख रचना गुलाबी गुड़ है, अंगूरा है, शादी है, औरत साथ है, लाठी और भैंस, मुसाफिर खान, सुबह की लता फलत, दीवाने मुल्ला रमूजी, जिंदगी सारी जैक, मशहीरे भोपाल तारीख है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड, हाँ सही इतना हो गया है। बच्चों यदि आपको अच्छा लगा ना तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कुछ मिस प्रिंट होती है तो आप हमें कमेंट सेशन बताकर हमारा रॉन्ग थिंकिंग को दूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।